शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि बैसाख महीना पीला चंदन घिसकर उस चंदन को एक सुंदर पीपल का कोमल पत्ता मतलब एकदम, एक तो पीपल का होता है कड़ला पत्ता, एकदम कड़क हो जाता है, और एकदम होता है कोमल पत्ता, उस पीपल के कोमल पत्ते पर पीला चंदन घिसकर, जो वह चंदन होता है उस चंदन को घिसकर उस चंदन को उस पत्ते पर रख लें, और महाराज उस पत्ते को मध्याह्न के समय पर, जैसे जब सुबह के समय पर सारी पूजन हो जाए, अर्चना हो जाए, भगवान शिव के मंदिरों में जल समर्पित हो जाए, उसके बाद में जब बाबा एकदम आनंद में विराजे हों, तब जहां शिवलिंग रखा होता है जैसे ये शिवलिंग है और ये कटी भाग जहां शिवलिंग रखा हुआ है, इस कटी भाग पर जहां शिवलिंग रखा है उसके पास में ही तीन उंगलियों से चंदन का लेपन उस कटी भाग पर करना है। जो उंगलियां लगी रहेगी उसी को अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श करना है, और अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कर कुछ देर तक चंदन लगे रहने देना है, उसके बाद में उस चंदन को वापस निकाल कर लेकर आना है, कटी भाग पर जो लगाया गया है उसको भी निकाल कर वापस लेकर आना है, फिर बाबा का स्नान नहीं कराना है, केवल चंदन लेकर आना है, उसी पीपल के पत्ते पर रखकर एक डिब्बी में उस चंदन को आप रख लीजिए कुछ दिन। जिसकी नेत्र ज्योति कमजोर है, चश्मा लग रहा हो, श्रवण शक्ति कमजोर हो, सुनाई कम दे रहा हो, उसके कंठ से इस ठोड़ी तक उस चंदन का तिलक लगाना प्रारंभ कर दीजिए, और नेत्रों के नीचे थोड़ा सा वो चंदन लगाना प्रारंभ कर दीजिए। लगभग 20 से 22 दिन तक आप उसका प्रयोग करिए, और एक रुद्राक्ष का जल शिव को समर्पित कर उस जल का आचमन करना प्रारंभ कर लीजिए। लगभग 22 दिन लगेंगे, धीरे धीरे फिर जाकर डॉक्टर को जांच करा लेना, नेत्र की ज्योति बढ़ना प्रारंभ हो गई है।